दुष्ट टीचर और गरीब की बेटी। हीरपुर गांव के छोटे से स्कूल में शहर की नए टीचर की भर्ती हुई, जिसका नाम श्रीसा था। श्रीसा का आज स्कूल में पहला दिन था और सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी श्रीसा सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम है श्रीसा। सुना सबने, क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे श्रीसा का नाम दोहराते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की थी गुड़िया, जो नई मैडम का नाम ठीक से नहीं बोल पा रही थी। तभी श्रीसा गुस्से से कहती है, ए लड़की इधर आ, क्या नाम बोला तूने मेरा? मैम तीता। गुड़िया के इतना बोलते ही बाकी के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर श्रीसा का पारा सातवें आसमान पर चला गया। उसने छड़ी से बहुत ही जोर से गुड़िया के हाथों पर मारा। गुड़िया के मुंह से चीख निकल पड़ी और हंसते हुए सारे बच्चे डर से सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना तुम सबको? रुको, तुम सबको मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर श्रीसा सभी बच्चों को डंडे से बहुत मारती है। सभी बच्चे का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। अगर किसी ने भी घर जाकर ये कहा कि स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम सब? यह सुनकर बेचारे गांव के गरीब मासूम बच्चे सभी सहम जाते हैं और घर जाकर किसी बच्चे ने भी पिटाई वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई। अगले दिन श्रीसा फिर सभी बच्चों से बोलती है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, कल सभी को 20-20 रुपए लेकर आना है। जिसने भी पैसे नहीं लाए उसकी क्या हालत होगी, वह उसी समय उसे पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या भीख मांग कर लाओ या फिर किसी से छीन कर लाओ, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गांव के गरीब बच्चे, सभी के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी सभी बच्चों ने किसी तरह से 20 रुपए अपने घर वालों से मांग कर स्कूल पहुँचे। लेकिन गुड़िया बहुत ही गरीब बच्ची थी, उसके पिता भी नहीं थे। उसकी माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, लेकिन अभी उसकी माँ बीमार थी, जिस वजह से गुड़िया पैसे लेकर स्कूल नहीं पहुँचती है। तेरे पैसे कहाँ है? तुझे बोला था ना कि सभी बच्चों को कल पैसे लेकर आना है, तो क्यों नहीं लेकर आई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और घर में पैसे भी नहीं थे। माँ काम पर भी नहीं जा रही है। मैंने माँ को बोला था तो माँ ने कहा अभी उनके पास पैसे नहीं है, वो मालकिन से पैसे मांगकर एक दो दिन बाद दे देगी। मैं आपको एक दो दिन बाद माँ से पैसे लाकर दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तब तक तू पूरे दिन धूप में खड़ी रहेगी। चल अब जाकर वहाँ धूप में खड़ी हो जा। गुड़िया चिड़चिड़ाती धूप में खड़ी रहती है। गुड़िया को धूप में झुलसता देखकर उसी स्कूल के गार्ड भोला को उस पर बहुत ही तरस आता है और वो मैडम से जाकर बोलता है, मैडम जी छोटी बच्ची है, गलती हो जाती है, कृपया करके माफ कर दीजिए इस छोटी बच्ची को, बेचारी बहुत गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है इस पर? अभी तेरे खिलाफ भी रिपोर्ट करती हूँ। देख अभी के अभी तुझे स्कूल से निकाल फेंकेंगे। मुझे बस इतना कहने की देरी है कि तेरा काम ठीक नहीं है और तू स्कूल के बच्चों को परेशान करता है। बता, जाकर बताओ प्रधान से। और वैसे भी सभी मेरी बात पर ही विश्वास करेंगे क्योंकि मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। चल अब जा और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। बेचारा गरीब गार्ड भी उस क्रूर टीचर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। गार्ड भोला को अच्छे से पता था कि ये नई मैडम श्रीसा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी महिला है, वो उसके ऊपर झूठ बोलकर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती थी। इसलिए भोला चुप रहता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है। गुड़िया पूरे दिन धूप में खड़ी रहती है। गर्मी की वजह से घर आते ही उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और वो स्कूल भी नहीं जा पाती है। गुड़िया की माँ शांति उसे गाँव के ही वैद से दवाई दिलवाती है। ये लो, ये कुछ दवाइयाँ हैं, जिसे टाइम से देते रहना, और हाँ, और इसे पीने के लिए भरपूर पानी देना। इसे गर्मी से लू लग गया है, 2-3 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है बैद जी। 3-4 दिन बाद जब गुड़िया की तबीयत में सुधार आता है तब वो स्कूल जाती है और अपनी मैडम के डर से अपनी माँ से 20 रुपए लेकर भी जाती है, क्योंकि गुड़िया को अच्छे से पता था कि अगर वो पैसे नहीं लेकर गई तो इस बार उसकी मैडम उसे और भी ज्यादा भयानक सजा देगी। गुड़िया के 20 रुपए उसके हाथ में ही थे,
तभी उधर से गांव के प्रधान अपने कुछ आदमी के साथ स्कूल आते हैं। श्रीसा जी, पानी के लिए घड़ों का इंतजाम कर दिया है, मैंने ये दो घड़े रखवा दिए हैं। मोहन, इन दोनों घड़ों में पानी भर दो ताकि मैडम को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए, और दूसरा घड़ा बच्चों को लिए भी रखवा दो, आखिर गर्मी में बच्चों को भी तो प्यास लगती है। शुक्रिया प्रधान जी, गर्मी में बहुत ही प्यास लगती है, हमें बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और स्कूल के बच्चे भी छोटे हैं, आखिर उन्हें भी तो बहुत प्यास लगती है, आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। मैडम, और कोई काम हो तो आप भोला के हाथों संदेशा भिजवा दीजिएगा, आप इतनी दूर शहर से हमारे गांव में इन गरीब बच्चों को पढ़ाने आई हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अरे, आप जैसे अच्छे टीचर को गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, गांव का प्रधान होने के नाते आपकी देखरेख करना मेरा फर्ज बनता है। प्रधान के जाने के बाद श्रीसा क्लास में आती है और गुड़िया अपनी मैडम के पास जाती है और धीरे से कहती है, टीचर जी, आपने जो उस दिन पैसे मंगाए थे वो लेकर आई हूँ, ये लीजिए। ठीक है, लाओ। कहाँ गई थी तू, तो 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? वो टीचर जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ रही थी। अगले दिन, चलो सारे बच्चे अच्छे से स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रखा है स्कूल, चलो एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो अब सबके सब अपने बस्ते यहीं रखो और सफाई के लिए तैयार हो जाओ। गांव के छोटे छोटे गरीब बच्चे हाथों में झाड़ू और पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने में लगे हुए थे। जिन हाथों में बच्चों के किताब होनी चाहिए थी उन हाथों में श्रीसा ने झाड़ू और पोछा थमा दिया था और खुद आराम से कुर्सी पर बैठकर प्रधान के भिजवाए हुए फल फ्रूट खा रही थी, और सभी बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से साफ सफाई में लगे हुए थे। कुछ भी कहो, प्रधान जी के भेजे हुए फल फ्रूट बहुत ही मीठे हैं। अरे ये क्या, मेरी चप्पल फिर से टूट गई। सुनो सुनो, सभी बच्चों इधर आओ, तुम सभी बच्चों में से किसका बाप मोची है? टीचर जी, मेरे पापा जूते पॉलिश करने का काम करते हैं। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो आज मेरी चप्पल अपने साथ घर ले जाना और अपने बापू से अच्छे से सिलवा कर ले आना। अब हाथ आगे करो और ये लो आम खाओ। नहीं नहीं टीचर जी, मैं ये नहीं खाऊंगी, ये आम तो आपके मुंह के झूठे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। क्या कहा, झूठा खिला रही हूँ? एक तो तुझ जैसे गरीब भिखारी बच्चों को मैं कुछ खाने के लिए दे रही हूँ, ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रही है, अब तो तू पिटेगी। रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना बोलकर श्रीसा अपना डंडा उठाती है और जोर जोर से रचना को पीटना शुरू कर देती है। रचना रोती रही बिलखती रही, लेकिन उस दुष्ट टीचर को उस बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई और वो उसे मारे जा रही थी। भोला को अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, वो हिम्मत करके फिर से मैडम के पास आया और बोला, गलती हो गई मैडम जी, बच्चे को माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। किसी तरह गार्ड भोला श्रीसा से उस बच्चे को बचाता है। भोला भी अब बहुत ही परेशान हो चुका था इस नई मैडम से, क्योंकि उसने तो अब हद ही पार कर दी थी, लेकिन भोला को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह किस तरह श्रीसा की सच्चाई गांव वाले और प्रधान जी के सामने लेकर आए। सभी बच्चे भी काफी डर डर के रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, अरे ये क्या, हमारे वाले घर में तो पानी ही नहीं है, बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ गुड़िया, मेरा भी गला सूख रहा है, उस दूसरे घर में देखते हैं, शायद उसमें पानी हो। दोनों लड़कियां घरे से पानी लेने जाने लगती है, पर जैसे ही गुड़िया दूसरे वाले घरे को हाथ लगाती है वैसे ही श्रीसा वहाँ आ जाती है और गुड़िया का बाल खींचकर उसे मारने लगती है। आह टीचर जी, छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दीजिए टीचर जी। माफ कर दूं? पहले ये बता, मेरे से बिना पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घरे को हाथ लगाने की? तो जैसे गरीब भिखारन के लिए पानी नहीं रखवाया है, समझी? अब तो तुझे इसकी भयानक सजा मिलेगी। तभी भोला के साथ प्रधान और बाकी सारे गांव वाले वहां पर आ जाते हैं, जिसमें गुड़िया की माँ भी होती है। मैंने कहा छोड़ उसे। प्रधान जी आप? अरे मैं तो बस। तभी गुड़िया की माँ श्रीसा को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी गुड़िया अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है। माँ ये टीचर बहुत बुरी है, ये हम सबको बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। मोहन पुलिस को फोन लगाओ, इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
माफ कर दीजिए प्रधान जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज प्रधान जी। बिल्कुल नहीं प्रधान जी, प्रधान जी मुझे माफ कीजिए, मैं कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत आप सबसे करूं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पता नहीं कहां से भगवान ने मुझे कल रात हिम्मत दी और मैंने कल रात आपको जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। आपके आंखों के सामने ही गुनहगार है प्रधान जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इसने हमारे मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार किए हैं। भोला की आंखों से आंसू बहने लगता है। भोला की हिम्मत और साहस की वजह से गांव के गरीब और मासूम बच्चों को एक दुष्ट टीचर से मुक्ति मिल जाता है। श्रीसा को अपने किए गुनाहों के लिए जेल होता है और उसका सारा सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है। श्रीसा ने अपने बुरे बर्ताव की वजह से अपना पद खो दिया। इधर गांव में फिर से नई टीचर की बहाली होती है जिसमें एक राधा नाम की लड़की होती है। राधा गांव से ही पटकर टीचर बनी थी और वो बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाती थी। गांव के सभी बच्चे अपने नई टीचर के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। गर्भवती माँ की ममता और दुष्ट चाची। ममता की शादी को हुए 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक ममता को कोई संतान नहीं हुआ। ममता के पति विवेक का शहर में खुद का बिजनेस था। विवेक का छोटा भाई राहुल अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। ममता बहुत ही सुलझी हुई समझदार महिला थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद उसने अपने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा था। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की, जिसकी वजह से ममता को हमेशा ही रिश्तेदारों और पड़ोसी से बांझ होने का ताना सुनना पड़ता था। लेकिन ममता बिना किसी को कोई जवाब दिए अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। ममता मेरी घड़ी कहाँ है? वही टेबल पर रखी है जी। भाभी मेरे जूते कहाँ है? कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये रहे आपके जूते। वैसे आजकल कॉलेज ज्यादा जल्दी जाने लग गए हो देवर जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो एग्जाम आने वाले हैं तो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। सबके जाने के बाद ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर राहुल का एग्जाम भी हो गया और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और जल्दी ही उसे एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी मिल गई। सुनिए जी, अब हमारा राहुल भी ईश्वर की कृपा से अच्छा कमाने लगा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ अब जल्दी से राहुल की शादी कर देनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो, उम्र भी हो गई है, मैं आज ही रामू काका से बात करता हूँ। क्या भाभी आप भी? और नहीं तो क्या, अब मुझे भी तो आराम चाहिए, मैं भी अब इस घर गृहस्थी से छुट्टी पाना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, जैसा आप लोग सही समझे। अच्छा ममता अब मैं निकलता हूँ। विवेक के जाने के बाद राहुल सही मौका देखकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी मैं भी चाहता हूँ कि अब आप आराम करो, आपका यूं पूरे दिन घर में काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तब से क्या मैं कुछ और कह रही हूँ? नहीं भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर की लड़की आएगी तो पता नहीं वो कैसी होगी या नहीं होगी। भाभी रेनू मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी है, हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। भाभी प्लीज भैया को किसी तरह इस शादी के लिए मना लीजिए ना, प्लीज भाभी। अरे देवर जी आप तो हमसे भी ज्यादा फास्ट निकले, मैं आज ही आपके भैया से बात करती हूँ, आप जल्दी से रेनू के माता पिता से हमें मिलवाने की तैयारी करो। और फिर ममता और विवेक रेनू के माता पिता से मिलकर राहुल और रेनू की शादी करवा देते हैं। रेनू के आने से ममता बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो एक छोटी बहन की तरह रेनू का ख्याल रखती थी। रेनू भी ममता के हर काम में हाथ बटाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी और रेनू के माँ के भड़काने के बाद रेनू ममता से चिढ़ने लगी। रेनू कहाँ हो, ये देखो यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में छान मारी। अच्छा मैं जरा सब्जी लेने मार्केट जा रही हूँ और इनके आने का भी टाइम हो रहा है, तुम इनके लिए चाय बना देना, ठीक है? मुझे नहीं बनाना कोई चाय वाय, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो पूरे दिन काम करती रहूँ। ये तुम क्या कह रही हो रेनू, क्या हुआ?
तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा चलो, नहीं मन है तुम्हारा तो तुम आराम करो, मैं बनाकर फिर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ममता के जाने के बाद रेनू की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, आपने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। अब मैं इस बांज की सेवा नहीं करूँगी, मैं इस घर में कोई काम करने नहीं आई हूँ। अब देखो कैसे मैं इस बांज से इस घर का सारा काम करवाती हूँ। मैंने बहुत जल्द इस बांज को इस घर से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवाया, फिर मेरा नाम भी रेनू नहीं। हाँ बेटा, उस बांज के घर कोई काम नहीं करना और उससे घर का सारा काम करवाना। अच्छा बेटा सुन, जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे, उसके बाद देख पूरी संपत्ति का वारिस हमारा इकलौता नाती होगा और सब तुझे ही प्यार करेंगे। तू अकेली उस पूरे घर की मालकिन बनेगी, समझ गई बेटा? ठीक है माँ। उस दिन से रेनू अपने पति और जेठ के सामने तो अच्छी बनने का नाटक करती, लेकिन उनके जाते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती। घर का सारा काम ममता को अकेले ही करना पड़ता, लेकिन फिर भी ममता रेनू से कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती है। एक दिन रेनू अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ आपका प्लान सफल रहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत खूब, अब जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा ही करना। उस बांध से अपनी खूब सेवा करवाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी? रेनू का व्यवहार दिन ब दिन ममता के प्रति कठोर होता जा रहा था। अब तो वो भी ममता को बांझ बांझ बोलकर ताने देने लगी। वह ममता को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन ममता बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। शायद इसी से खुश होकर भगवान ने ममता को भी माँ बनने की मनोकामना को पूरी कर दी। घर में एक साथ दोनों की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यह सुनकर रेनू जल भुन जाती है। नहीं, यह बांच माँ नहीं बन सकती, अगर ये माँ बन गई फिर तो मेरा इस घर में नौकरानी से ज्यादा कोई इज्जत नहीं रहेगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, इस घर का वारिस सिर्फ मेरा बेटा ही बनेगा। मैं इस घर की खुशी इस बांच के साथ नहीं बांटूंगी, अभी सिर्फ मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा और ये बांझ हमेशा के लिए बांझ ही रहेगी। उस दिन के बाद से रेनू ममता को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह कभी कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ममता और रेनू मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी रेनू मौका देखकर सबसे नजर बजाकर मंदिर की सीढ़ियों पर पानी गिरा देती है। ममता जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ रही थी, तभी उसे याद आता है कि वह मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लाना तो भूल ही गई। रेनू, मैं तो फूल लाना ही भूल गई, मैं फूल लेकर आती हूँ, तुम भी आओ और फूल ले लो, आओ नीचे। यह सुनकर रेनू फूल लेने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरती है, तभी वह भूल जाती है कि सीढ़ियों पर उसने पहले से पानी गिरा रखा है। जैसे ही रेनू का पैर सीढ़ी पर जाता है, वह फिसल जाती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आह! रेनू को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। सभी मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उधर ममता को भी लेवर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर विवेक से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर साहब, और मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी खतरों से बाहर है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। काफी चोट लगने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। और हाँ, अब आपकी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर राहुल को बहुत ही दुख होता है और वो रेनू के पास जाता है। रेनू, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो रेनू। अपने पति को इस तरह रोता देख रेनू भी फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, मेरे मन में पाप था और देखो भगवान ने मुझे आज उसकी सजा मुझे दे दी। फिर रेनू राहुल को सारी बातें बताती है, तभी वहाँ ममता और विवेक भी आ जाता है। रेनू ये लो। ये क्या है दीदी?
रेनू, आज से ये तुम्हारा बेटा है। देखो, मैं तुम्हारे दुख को तो नहीं बांट सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से अब तक मैं गुजरते आई हूँ, उस दर्द से तुम भी गुजरो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती रेनू। भगवान ने मुझे दो संतान शायद इसीलिए दिए हैं ताकि मैं तुम्हारे इस सुने गोद को रोशन कर सकूं। आज से तुम ही मुन्ने की माँ हो। अब चलो, रोना बंद करो। यह सुनकर रेनू फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप तो मेरी भगवान हैं और मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कर रही हैं, यह कोई नहीं कर सकता। सच में आप महान हैं, आप देवी हैं। ताउम्र भी आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। उस दिन के बाद से रेनू कभी ममता से दुर्व्यवहार नहीं करती है, बल्कि दोनों सगी बहन की तरह एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।